हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। चलिए हम चैप्टर फर्स्ट थ्योरी ऑफ नंबर्स पढ़ रहे थे और हमारे चार एग्जांपल हो गए अब तक। चलिए एग्जांपल नंबर फाइव देखिए। वन ऑफ एवरी थ्री कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाई थ्री। ठीक है, तो कॉन्जुगेटिव क्या होता है? कॉन्जुगेटिव माने होता है लगातार। ठीक है, तो वन ऑफ एवरी थ्री कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स को हमें डिविजिबल दिखाना, किससे? थ्री से डिविजिबल दिखाना। तो आसान से ये एग्जांपल है, चलिए इसका सॉल्यूशन देखिए। पहले मान लीजिए तीन कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स मान लीजिए, तो हम मान लेंगे लेट लेट एन, इससे ठीक आगे वाला एन प्लस वन, कॉन्जुगेटिव लगातार एन एन प्लस वन, फिर कितना एन प्लस टू बी एन ई थ्री, बी यानी थ्री कॉन्सुकेटिव इंटीजर्स इंटीजर्स। ठीक है, देन देन यदि कॉन्सुकेटिव इंटीजर्स हैं तो ठीक है, देन एन देन एन पुट ऑफ द फॉर्म 3p। ठीक है, तो वन ऑफ एवरी थ्री कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो प्रत्येक थ्री में से एक कैसा है? तीन से विभाज्य है, तो हम लिख सकते देन पुट देन एन पुट ऑफ द फॉर्म, ये लिख सकते हैं, या 3p प्लस वन लिख सकते हैं, या 3p माइनस वन, 3p माइनस वन लिख सकते हैं। ठीक है, यदि n बराबर हो 3p, यदि n किसके बराबर हो 3p के, तो ये तो 3 से डिविजिबल ही दिखाई दे रहा, आपको सीधा दिखाई दे रहा होगा। यदि कोई भी नंबर इस फॉर्म में होगा तो वो डिविजिबल होगा 3 से, तो ये तो सीधा सीधा लिख सकते हैं, n इज डिविजिबल n इज डिविजिबल बाई 3। ठीक है, अब चलिए दूसरा ले लीजिए। इफ यदि n बराबर क्या हो 3p प्लस वन हो, n बराबर कितना हो 3p प्लस वन, तो इसमें दोनों साइड जोड़ दीजिए, कितना जोड़ दीजिए, दो जोड़ दीजिए, दो जोड़ देंगे तो यहाँ पे n प्लस टू आ जाएगा बराबर 3p प्लस वन, इधर भी कितना जोड़ दीजिए, दो जोड़ दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ से 3p प्लस थ्री आ जाएगा, तीन कॉमन आ जाएगा, तीन कॉमन आ जाएगा तो तीन प्लस वन आ जाएगा, तो तीन के मल्टीपल में ये आ रहा, तो ये भी डिविजिबल है किससे। ठीक है, तो ये भी बताइए क्या इम्प्लाइज कर जाएगा, विच इज़ डिविजिबल बाय थ्री, तो ये भी डिविजिबल है किससे, थ्री से, विच इज डिविजिबल बाय थ्री। तो एन को भी हमने डिविजिबल दिखा दिया किससे, तीन से, एन प्लस टू भी। ठीक है, ये n प्लस टू है, n प्लस टू भी दिखा दिया भाई, जब ये डिविजिबल है तो ये भी डिविजिबल होगा तीन से, या ये भी हो सकता है n बराबर यदि कितना हो जाए 3p प्लस, प्लस वाला तो ले लिया, माइनस वाला लेना। ठीक है, 3p माइनस वन, वन को इधर ले आइए, वन को इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा n प्लस वन हो जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा 3p आ जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा 3p, और जब ये 3p के बराबर जाएगा तो ये डिविजिबल है किससे, 3 से, तो इसीलिए n प्लस वन भी डिविजिबल हो जाएगा 3 से। तो n n प्लस वन n प्लस टू जो थ्री कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स हैं, तीनों के तीनों डिविजिबल आ जाएंगे किससे, 3 से। तो लिख देंगे यहाँ पे ये क्या इम्प्लाइज कर रहा, बराबर 3p आ गया, तो क्या इम्प्लाइज कर जाएगा, ये n प्लस वन इज डिविजिबल, ठीक है, इज डिविजिबल बाय 3। तो हैंस करके ये लिख देंगे, हैंस, ठीक है, हैंस करके स्टेटमेंट ही लिख देंगे, हैंस वन ऑफ एवरी थ्री कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है, तो ये एग्जांपल नंबर हमारा 5 हो गया, कर लीजिए इसको, उसके बाद एग्जांपल चलिए 6 करते हैं। चलिए एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए।
द प्रोडक्ट ऑफ एनी थ्री कंजुगेटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय 6। तीन कंजुगेटिव इंटीजर्स लेने, उनकी जो प्रोडक्ट है वो हमें 6 से विभाज्य दिखानी है। तो ये भी सिंपल ही है सॉल्यूशन, देखो इसका, ठीक है। एग्जांपल नंबर 6 का सॉल्यूशन देखिए। चलिए तीन कंजुगेटिव इंटीजर्स मान लीजिए, तो कंजुगेटिव इंटीजर्स क्या मानने पड़ेंगे हमें, एन, एन प्लस वन और एन प्लस टू। तो लिख देंगे, क्या लिख देंगे, लेट लेट एन एन प्लस वन एन प्लस टू बी एनी थ्री कंजुगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। तीन कंजुगेटिव इंटीजर्स हैं तो इनकी प्रोडक्ट को कुछ मान लीजिए, पी एन मान लीजिए, एफ एन मान लीजिए, ठीक है। नाउ वी शैल प्रूव दैट, या पहले एफ एन मान लो, लेट एफ एन बराबर इनकी प्रोडक्ट एन एन प्लस वन एन प्लस टू एन प्लस टू। तो इनकी प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट ऑफ एनी थ्री कंजुगेटिव इंटीजर्स, वो डिविजिबल होते हैं किससे, 6 से होते हैं। तो मैंने एफ एन बराबर भैया ये मान लिया, तो ये विभाज्य दिखाना। नाउ वी शैल प्रूव दैट, नाउ वी शैल प्रूव दैट, नाउ वी शैल प्रूव दैट, क्या सिद्ध करना अब हमें, ये एन एन प्लस वन या एफ एन कह दीजिए एन प्लस टू इज डिविजिबल इज डिविजिबल बाई 6। तो डिविजिबल 6 दिखा, ठीक है, ये 6 से डिविजिबल दिखाना, तो हम इसको कर सकते हैं मैथमेटिक, ठीक है, मैथमेटिकल इंडक्शन से। तो मैथमेटिकल इंडक्शन में हमारे पास तीन पॉइंट होते हैं, n बराबर 1 के लिए इसको ट्रू दिखा दीजिए, n प्लस k के लिए मान ही लेते हैं ट्रू हैं, और n बराबर k प्लस 1 के लिए क्या दिखा दीजिए, इसको ट्रू दिखा दीजिए, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट देखिए, 4 एन इक्वल टू 1, तो एफ वन कितना आ जाएगा, 1 रख दो भैया, 1 1 प्लस 1 1 प्लस 2 1 इंटू 2 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और ये डिविजिबल है, विच इज डिविजिबल, विच इज डिविजिबल बाई 6। तो इसलिए द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है, द गिवन स्टेटमेंट, यानी कि जो स्टेटमेंट है, इसलिए द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू 1, ठीक है। सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट में तो मान ही लेते हैं, लेट गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, लेट गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर किसके लिए, फॉर एन इक्वल टू के के लिए। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, एफ के आ जाएगा, कितना आ जाएगा, एफ के बराबर के के प्लस वन और के प्लस टू इज डिविजिबल बाई, इज डिविजिबल बाई 6। तो ये डिविजिबल है किससे, 6 से। अब इसके बाद कौन सा पॉइंट आएगा, तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट में बताइए क्या लिखेंगे, थर्ड पॉइंट किसके लिए, 4 एन इक्वल टू के प्लस 1। तो लिख देंगे इसमें, तीसरे पॉइंट में क्या लिख देंगे, 4 एन इक्वल टू किसके लिए, के प्लस 1 के लिए। तो कितना आ जाएगा, एफ के प्लस 1 आ जाएगा, तो जहाँ भी n है n की जगह के प्लस 1 रख दीजिए, तो कितना आ जाएगा यहाँ, के प्लस 1 आ जाएगा और के प्लस 2 आ जाएगा, और यहाँ के प्लस 1 और 2 ये है, तो कितना हो जाएगा, के प्लस 3 हो जाएगा। अब इस सोल्व करके देखिए, इसको सोल्व करके हमें ऐसा बनाने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो के प्लस 1 और के प्लस 2 और इंटू के ऐसे बनाने की कोशिश करनी, तो भैया के प्लस 1 और के प्लस 2 तो ऐसे है ही, ये
इनको तो मत छेड़िए, इनको तो ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से, ठीक है, कितना आ जाएगा, के प्लस वन के प्लस टू के अंदर गुणा कर दीजिए, के में भी कर दीजिए, इसको अपने मन में एक्स पढ़िए सारे को, अपने मन में क्या पढ़िए इसको सारे को एक्स, इसकी गुणा कर दीजिए के में और फिर इसकी गुणा कर दीजिए तीन में, तो कितना आ जाएगा, के प्लस वन के प्लस टू इंटू कितना आ जाएगा ये थ्री, ठीक है। इसको सही से लिख दीजिए, सही से क्या लिख देंगे, के के प्लस वन के प्लस टू प्लस थ्री, के प्लस वन इंटू के प्लस टू लिख देंगे इसको, ठीक है। तो ये देखिए डिविजिबल है किससे, ये डिविजिबल है किससे, सिक्स से, तो ये डिविजिबल है किससे, ठीक है, सिक्स से। अब उसको भी डिविजिबल दिखा देंगे किससे, सिक्स से डिविजिबल दिखा देंगे। चलिए इतना नोट कर लीजिए, ठीक है, फटाफट से इतना नोट करिए। चलिए इससे आगे देखिए, देखिए ये डिविजिबल है किससे, सिक्स से, यहाँ पे लिखा हुआ था, तो लिख देंगे यहाँ पे क्या लिख देंगे, सिंस ये जो है डिविजिबल है किससे, सिक्स से, सिंस के के प्लस वन के प्लस टू इज डिविजिबल बाय सिक्स, ठीक है। और ये जो वैल्यू होती है ये हमेशा फैक्टोरियल टू से, ठीक है, डिविजिबल होती है, भी के प्लस वन हो और के प्लस कितना हो टू, के का मान कोई भी इंटीजर ले लीजिए, कोई भी इंटीजर ले लीजिए, तो ये फैक्टोरियल टू से डिविजिबल हो जाएगी, तो फैक्टोरियल टू से तो ये डिविजिबल हो जाएगा, और साथ में क्या है, तीन है, तो फैक्टोरियल टू कितना होता है, फैक्टोरियल टू टू होता है, और टू इंटू थ्री कितना हो जाएगा, सिक्स, तो ये भी डिविजिबल हो जाएगी किससे, सिक्स से, तो लिख देंगे वी नो दैट, ठीक है, वी नो दैट के प्लस वन इंटू के प्लस टू इज डिविजिबल बाई फैक्टोरियल टू, देयरफोर थ्री इंटू के प्लस वन के प्लस टू इज डिविजिबल, ठीक है, डिविजिबल बाई सिक्स से डिविजिबल हो जाएगा, तो ये भी सिक्स से डिविजिबल है और ये भी किससे डिविजिबल है, सिक्स से डिविजिबल है, तो हैंस जो इनका सम है, ठीक है, तो ये हो जाएगा देयरफोर एफ के प्लस वन इज ऑल्सो डिविजिबल बाई सिक्स, तो ये भी डिविजिबल हो गया बाई सिक्स से, तो हैंस बाई मैथमेटिकल इंडक्शन, हैंस बाई मैथमेटिकल इंडक्शन Hence, by mathematical induction, the given statement is true. The given statement is true. ठीक है, चलिए कर लीजिए इसको। इसके बाद next example, example number 7 देखिए इसके बाद। चलिए example number 7 prove. दैट सिद्ध करिए 9 की पावर n माइनस 8 की पावर n इज डिविजिबल बाई 8, तो इसको डिविजिबल हमें दिखाना किससे, 8 से डिविजिबल दिखाना, तो चलिए मैथमेटिकल इंडक्शन से ही करते हैं इसको भी, ठीक है। सॉल्यूशन देखिए, प्रूफ देखिए इसका, लेट पहले फंक्शन को मान लीजिए, चलिए एफ एन मान लीजिए, 9 की पावर n माइनस 8 की पावर n और माइनस 1, ठीक है। सबसे पहले किसके लिए दिखाएंगे इसको, पहला पॉइंट क्या आएगा, 4n इक्वल टू 1, एफ वन आ जाएगा, एफ वन रख देंगे तो 9 की पावर 1 माइनस 8 की पावर 1 माइनस 1, 9 माइनस 9, 9 माइनस 9 0, तो 0 तो सभी से डिविजिबल होता है, तो ये 8 से भी कैसा होगा, डिविजिबल, तो लिख देंगे
which is divisible by 8. ठीक है, therefore the given statement is true. The given statement is true for n equal to 1. इसके बाद सेकेंड पॉइंट आएगा. सेकेंड पॉइंट में मान लेते हैं, लेट गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू के. एन बराबर के लिए गिवन स्टेटमेंट क्या मान लेंगे? ट्रू. तो बताइए एफ के बराबर क्या आ जाएगा? एफ के बराबर आ जाएगा 9 की पावर के माइनस 8 की पावर के माइनस 1. तो ये भी डिविजिबल होगा, इज डिविजिबल बाय 8. तो ये डिविजिबल होगा किससे? 8 से. इसके बाद कौन सा पॉइंट आएगा? थर्ड पॉइंट. तो थर्ड पॉइंट में किसके लिए देखेंगे? 4 एन इक्वल टू के प्लस 1. 4 एन इक्वल टू के प्लस 1. तो ये बताइए एफ के प्लस 1 क्या आ जाएगा? एफ के प्लस 1 बराबर आ जाएगा, रख दीजिए 9 की पावर के, एन की जगह के प्लस 1 रख देंगे, 8 की पावर के प्लस 1 और माइनस कितना? 1. अब इसको सोल्व करके ऐसा बनाने की कोशिश करनी है, क्योंकि ये डिविजिबल है किससे? 8 से. और जो भी इसके साथ में आएगा वो भी डिविजिबल होगा किससे? 8 से. तो इसको ऐसा बनाने के लिए पहले 9 की पावर के बनाने की कोशिश करिए. 9 की पावर के बनाइए, तो इसको लिख लीजिए 9 इंटू 9 की पावर के माइनस 8 इंटू 8 की पावर के लिख सकते हैं, और माइनस कितना? 1. तो ये 9 के साथ 9 की पावर के, 9 की पावर कितना के हमें बनाने की कोशिश करनी. ये तो ये टर्म तो आ गई अपने पास से, माइनस 8 की पावर के कर लीजिए और माइनस 1 कर लीजिए. तो इसका मतलब देखिए हमने क्या किया, इसमें ये अपने पास से घटा लिया. यदि मैं 9 के अंदर गुना करूँगा तो वो प्लस का भी चाहिए जो अपने पास से लिया. ये मैंने अपने पास से जोड़ा, तो जो अपने पास से मतलब घटाया, जो घटाया उतना जोड़ना भी पड़ेगा. तो 9 इंटू 8 की पावर के और माइनस का 9 है तो प्लस 9 भी लिखना पड़ेगा, बाकी के इनको लिख दो. बाकी कितना भैया? ये माइनस 8 इंटू 8 की पावर के और माइनस का कितना? 1. तो डिविजिबल दिखाना है किससे हमें? 6 से डिविजिबल दिखाना, माइनस 1 है ये इधर, तो ये तो डिविजिबल है ही किससे? 8 से. अब इसको डिविजिबल दिखाना हमें किससे? 8 से. तो 8 से डिविजिबल दिखाने के लिए 9 इंटू 9 की पावर के माइनस 8 की पावर के माइनस 1 प्लस, चलिए 9 8 की पावर के ये हैं, 8 8 की पावर ये हैं. कहने का मतलब इसे अपने मन में पढ़ो, 9x मान लो इसको और 8x, इसको इसमें से घटा देंगे. तो जब इसको इसमें से घटा देंगे तो 8 की पावर के आ जाएगा, इसमें से इसको घटा देंगे तो प्लस के 8 आ जाएगा, और ये डिविजिबल ही होगा 8 से. ये भी डिविजिबल है 8 से, सिंस 9 की पावर के 8 की पावर के माइनस 1 इज डिविजिबल बाय, किससे डिविजिबल है? ये 8 से डिविजिबल है. 9 भी हो तब भी डिविजिबल ही होगा, सिंस ये डिविजिबल बाय 8 एंड ये 8 की पावर के प्लस 8 भी डिविजिबल ही होगा. 8 ठीक है, के कोई इंटीजर है, कुछ भी रख लेना, 8 से डिविजिबल ही होगा. एंड ये भी क्या है? इज डिविजिबल बाय 8. तो इनका सम भी डिविजिबल होगा किससे? 8 से. ठीक है, तो देयरफॉर इसीलिए क्या आ जाएगा? एफ के प्लस 1 इज डिविजिबल बाय
8 से कैसा है, ये भी डिविजिबल है, ठीक है। तो जब ये डिविजिबल हो गया किससे, 8 से, तो आखिरी में क्या लिख देंगे, हैंस हैंस बाई मैथमेटिकल इंडक्शन दी गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। ट्रू का मतलब ये है, इसका मतलब ये संख्या 8 से कैसी है, विभाज्य है, डिविजिबल है, ठीक है। चलिए भैया नोट कर लीजिए इसको, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, और 8 क्वेश्चन करके देखना, ये एग्जांपल 8 करके देखना, ये डिविजिबल दिखानी 54 से, ठीक है, तो इसको करके देखना, बाकी चलिए कल करेंगे।